ये तस्वीरें नहीं दिखाऊंगी आपको कृति हॉस्पिटल गुड़गांव की, मगर ये बता रही हैं कि स्थिति कितनी खराब है। पूरे देश में स्थिति खराब है, मगर प्रचंड बहुमत की डबल इंजन वाली फेल्ड इंजन की सरकार हरियाणा वाली, मनोहर लाल खट्टर मजाक उड़ाते हैं लोगों का, कहते हैं जो मर गए उसको वापस तो नहीं ला सकते, दूसरे राज्य के ऑक्सीजन को रोकते हैं, दिल्ली वाले ये आरोप लगाते हैं इन पर, ये और इनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिन्होंने मिलकर ये सरकार बनाई थी, आज ये आपकी जाने ले रही हैं। आपका खून इनके हाथ में लगा हुआ है, इनके हाथ रक्त रंजित है, इनकी आत्माएं रक्त रंजित है, मगर इन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खोखली आत्मा है, भूसा गोबर और गौमूत्र भरा हुआ है, इन्हें इंसानों की परवाह नहीं है, इन्हें परवाह नहीं कि आप किस तरह से मर रहे हैं। कृति अस्पताल में जिस प्रकार से आईसीयू को छोड़कर डॉक्टर भाग गए, स्टाफ भाग गया, और फिर परिजनों ने जब खोला और वहां पहुंचे तो 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, एक के बाद एक डेड बॉडीज थी, और वहां के स्टाफ था उसको वहां की डायरेक्टर ने कहा था कि जाके कैंटीन में छुप जाओ, लोगों का गुस्सा तुम पे ना निकल जाए। उसने कहा कि सबको इन्फॉर्म किया गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया जाए, मगर नहीं कर पाया, जो उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर आपका मुख्यमंत्री, उसका नाम है दुष्यंत चौटाला आपका उप मुख्यमंत्री, इसे नहीं परवाह आपकी जान की, इसे परवाह है अपने बाप को पैरोल दिलवाने की। इसकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं, इस जिम्मेदारी को तय करिए, अगली बार इनको हटाना नहीं है, इनको सदा के लिए राजनीति में से भगाना है। लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं होती, जिस प्रकार से लोगों की मौतें हो रही हैं, व्यवस्थाएं खराब है, ये प्रचंड बहुमत वाली सरकार, जैसे मोदी जी देश को नहीं संभाल पा रहे उन्हें करना चाहिए रिजाइन, उसी तरह से यहाँ पर रिजाइन करना चाहिए मनोहर लाल खट्टर को और दुष्यंत चौटाला को। जरा भी गैरत हो तो रिजाइन करो और सत्ता किसी और को दो, अपनी ही पार्टी के किसी और को दे दो, मगर किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो लोगों की जानें बचा सके, जो लोगों को बचा सके, जो इस त्राहिमाम को खत्म कर सके और लोगों को सांसें वापस दे सके।